गांधी जी ने विनोबा जी को उत्तर लिखते हुए पत्र लिखा है कि यह पत्र पढ़कर गोरख ने मच्छिंद्र को हराया, भीम है भीम, यह उद्गार बापू के मुंह से निकले थे। सुबह उनको इस प्रकार उत्तर दिया, तुम्हारे लिए कौन सा विशेष काम मैं लाऊं यह मुझे नहीं सूझता, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारा चरित्र मुझे मोह में डुबो देता है। मोह में डुबोना मतलब किसी के प्रति प्रेम निर्माण होना। तुम्हारी परीक्षा करने में मैं असमर्थ हूँ, तुमने जो अपनी परीक्षा की है उसे मैं स्वीकार करता हूँ, तुम्हारे लिए पिता का पद ग्रहण करता हूँ। मेरे लोक को तो तुमने लगभग पूरा ही किया है, मेरी मान्यता है कि, मान्यता का अर्थ होता है धारणा, मेरी मान्यता है कि सच्चा पिता अपने से विशेष चरित्रवान पुत्र पैदा करता है। सच्चा पुत्र वह है जो पिता ने जो कुछ किया है उसमें वृद्धि करे। पिता सत्यवादी, दृढ़, दयामय हो तो स्वयं अपने में ये गुण विशेषता से धारण करे। यह तुमने किया है, ऐसा दिखता है तुमने यह मेरे प्रयत्नों से किया है, ऐसा मुझे नहीं मालूम होता। इस कारण तुमने मुझे जो पिता का पद दिया है उसे मैं तुम्हारे प्रेम की भेंट के रूप में स्वीकार करता, उस पद के योग्य बनने का प्रयास जरूर करूंगा। और जब मैं हिरण्यकश्यप साबित हूँ, हिरण्यकश्यप एक राक्षसों का राजा था, जो जिसने खुद को भगवान, खुद को ईश्वर मानकर विष्णु जी की पूजा बंद करवा दी थी, बड़ा ही अन्यायी राजा था। इसलिए गांधी जी ने अपने आप को कहा है कि मैं जब हिरण्यकश्यप साबित हूँ तो प्रहलाद भक्त के समान मेरा सादर निरादर करना। निरादर करना का अर्थ होता है अपमान करना। भक्त प्रहलाद के बारे में आप सभी को पता है कि भक्त प्रहलाद कृष्ण भगवान विष्णु के निस्सिम भक्त थे और हिरण्यकश्यप राक्षस हिरण्यकश्यप का पुत्र था, जिसने निस्सिम भक्ति की वजह से भवसागर पार की। तुम्हारी यह बात सच्ची है कि तुमने बाहर रहकर आश्रम के नियमों का बहुत अच्छी तरह से पालन किया है। तुम्हारे आश्रम में आने के बारे में मुझे शंका थी ही नहीं, तुम्हारे संदेश मामा फड़के ने मुझे पढ़कर सुनाए थे। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे और तुम्हारा उपयोग हिंदी की उन्नति के लिए हो, यही मेरी कामना है। तुम्हारे आहार के किसी प्रकार का परिवर्तन करने का अभी तो मुझे कुछ नहीं लगता। दूध का त्याग अभी तो मत करना, इतना ही नहीं, आवश्यकता हो तो दूध की मात्रा बढ़ाओ। रेल विषयक सत्याग्रह की आवश्यकता अभी नहीं है, पर उसके लिए ज्ञानी प्रचारकों की आवश्यकता है। यह संभव है कि शायद खेड़ा जिले में सत्याग्रह करना पड़ जाए। अभी तो मैं रमता राम हूँ। रमता राम मतलब एक जगह स्थिर न रहने वाला। दो एक दिन में मैं दिल्ली जाऊंगा, विशेष तो जब आओगे तब सब तुमसे मिलने को उत्सुक है। बापू के आशीर्वाद। बाद में बापू के उद्गार, बहुत बड़ा मनुष्य है, मुझे अनुभव होता रहा है कि महाराष्ट्रियों और मद्रासियों के साथ मेरा अच्छा संबंध रहा है। महाराष्ट्रियों में तो किसी ने मुझे निराश किया ही नहीं, उसमें भी विनोबा ने तो हद कर दी। धन्यवाद।